तो दोस्तों सीखेंगे हम साइल व्हील का प्रयोग जो है, इसमें हम सीखेंगे दोस्तों कि कहाँ साइल के साथ व्हील लगता है और व्हील के साथ जो है साइल लगता है। तो हम जानेंगे जो है दोस्तों, यहाँ पर बहुत समझते हैं कि आसान है साइल व्हील और व्हील का प्रयोग। यहाँ कभी व्हील का साइल हो जाता है, कभी साइल का व्हील में चेंज हो जाता है। तो हम यहाँ पर दो तरीके से जो है यूज सीखेंगे। यहाँ पर हमने दो तरीका जो है उदाहरण सहित बताने के प्रयास करेंगे। तो पहला जो है सिंपल में जो है सिंपल फ्यूचर होता है, ये हम जानेंगे दोस्तों, जिसमें गा गी गे रहता है और जो है भाव ऐसा होता है कि वह भविष्य में बनी रहे। तो अभी इनका प्रयोग साइल और व्हील होता है। अगर भविष्य में जो है बना रहता है तो निश्चित हो यह भाव, तब जाके जो है आई वी के साथ जो है आई वी के साथ जो है साइल वी का प्रयोग करते हैं, और जो है दोस्तों बाकी के साथ यानी अन्य जो है सब्जेक्ट के साथ व्हील का प्रयोग करते हैं। तो इन चीज़ों को हम सीखेंगे पहले वाले नियम पर कि कैसे बनाया जाता है। दूसरा वाला नियम भी सीखेंगे, पहला हम नियम सीख लेंगे। सामान्य भाषा में जो है ये भी बता दे कि व्हील के साथ साइल और साइल के साथ व्हील कब लगता है। तो ये तो एक व्हील साइल का प्रयोग हो जाएगा। हमेशा जो है समझे या याद रखे, साइल व्हील का साथ जो है आई वी के साथ यहाँ बताए हैं साइल व्हील, बाकी के साथ आई वी के साथ साइल लगता है और बाकी के साथ व्हील लगता है। कुछ ऐसी परिस्थिति भी है कि चेंज हो जाता है, तो कब हो जाता है? तो प्रतिज्ञा, दृढ़ निश्चय और आज्ञा, निषेध। तो ये ऐसी भावनाएं हो तो ये व्हील के जगह और साइल लग जाता है और साइल के जगह व्हील लग जाता है। क्योंकि ये बताना इसलिए ज़रूरी समझा गया कि ये वाला चीज जो है इसी उदाहरण में बताने वाले हैं। जैसे कि हम जो है यहाँ पर जो है पहले वाले नियम जो है यहाँ पर उदाहरण देखेंगे। तो पहले वाला नियम जो है दोस्तों हम ये सीखेंगे, जैसे छोटा छोटा उदाहरण लेंगे। जैसे कि हम जो है कोई जो है भविष्य की बात है निश्चित बनी रहे, तो ऐसे चीज़ों में जो है हम तो लगाया जाता है। तो चलिए उदाहरणों को देखते हैं दोस्तों। उदाहरण है, मैं दूसरा पहला जो है एग्जाम्पल जो है ले लेते हैं। तो एग्जाम्पल हमारा जो है यहाँ पर जो है दोस्तों ले लेते हैं, छोटा सा उदाहरण एग्जाम्पल लेंगे, उदाहरण लेंगे, उसी चीज को हम समझेंगे। तो समझने वाली बात है, इंट्रोगेटिव सभी तरह के वाक्यों को समझेंगे, छोटा में समझेंगे। हम छोटा में ये बताएंगे, जैसे मैं खुश रहूंगा। छोटा वाक्य मत देखिए, लगाया कैसे जाता है, कैसे बनता है, मैं खुश रहूंगा। तो ये जो है रहूंगा, बनूंगा, तो ये वाला चीज जानना है। एक और बताएंगे वर्ब वाला, वो दूसरा नियम में बताएंगे। तो जैसे ये हो जाएगा आई सेल, अभी बताए हैं आई सेल भी खुश रहना का है भी। तो इसी तरह जो है दोस्तों और भी जो है उदाहरण ले लेते हैं। तो हम सीखेंगे दोस्तों और भी चीज़ें। दूसरा नंबर उदाहरण जानेंगे दोस्तों कि हम लोग भूखे रहेंगे। अब बात आ गई रचना की, तो इसमें कुछ नहीं है, तो रचना वही है सब्जेक्ट प्लस साइल या विल के बाद बी लगा, उसके बाद जो है हमारा जो है जो भी अन्य जो है चीजें है निगे वो ये क्या बोलते हैं एडजेक्टिव हो एडवर्ब हो और तो ऐसे चीज नाउन हो तो ऐसे चीज लगा देंगे। चलिए रचना की बात है तो यहाँ रचना भी लिख देते हैं। सब क्या जीना है, सब्जेक्ट के बाद विल और जो है सेल, सेल के बाद जो है बी, अबी के बाद जो है एडवर्ब भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, या जो है
नाउन भी हो सकता है, जिसे मैं शिक्षक बनूंगा। तो हम लोग भूखे रहेंगे, तो वी के साथ पता ही है सैल लगता है, सैल बी और जो है हंगरी, तो ये हमारा एडजेक्टिव है ये वाला और जो है ये वाला। मान लीजिए मैं शिक्षक बनूंगा, मैं शिक्षक बनूंगा, तो यहाँ पर जो है दोस्तों देखते रहिए अंत तक वीडियो, दोनों नियम बताएंगे। तो आई शैल, शैल बी ए टीचर या टीचर। और सीखेंगे दोस्तों यहाँ पर जो है विल वाला भी सीखेंगे और वर्ब के साथ भी सीखेंगे दोस्तों कि कैसे बन रहा है, ठीक है। चौथा उदाहरण है, कोई भी ले सकते हैं, रीता एक नर्स बनेगी, रीता एक नर्स बनेगी दोस्तों। यहाँ पर हम दे रहे हैं चौथा उदाहरण, रीता एक नर्स बनेगी। तो यहाँ पर दोस्तों देखेंगे यहाँ पे तो रीता विल बी नर्स या ए नर्स, चलिए नर्स के साथ ये भी लगा देते हैं तो एक जो है, तो ये जो है सिंपल जो है पॉजिटिव है। नेगेटिव के लिए जो है दोस्तों रचना क्या है ये भी जान ले, चलिए छोटे छोटे हैं लेकिन रचनाओं को जानना चाहिए तो रचना ही बताते हैं। नेगेटिव के लिए हो जाएगा वही हो जाएगा, विल सेल के बाद जो है नाट लग जाएगा, उसके बाद बी लगेगा, उसके बाद हमारा वही एडवर्ब या एडजेक्टिव या नाउन जो भी हो। तो नर्स बनेगी ये नाउन हो जाएगा और दोस्तों यहाँ पर देखेंगे दोस्तों नर्स जो है नाउन हो गया। तो जैसा एडजेक्टिव जो है हैप्पी था, हंगरी जो है एडजेक्टिव था, तो ये नाउन हो गया, शिक्षक भी नाउन था, तो ये हमारी रचना हो गई। अब चलिए जो है हम दूसरा उदाहरण ले लेते हैं, जैसे नेगेटिव वाला भी ले लेते हैं, वह नेता नहीं बनेगा, नेता नहीं बनेगा या बनेगी, तो ये जो है बनेगी है तो चलिए सी लिख देते हैं, सी विल नॉट बी नट भी क्या नहीं बनेगी, नेता लीडर। इसी तरह इंट्रोगेटिव वाला में क्या होता है, जैसे कि जानते हैं यही विल आगे आ जाएगा रचना के लिए, विल या शैल के बाद जो है सब्जेक्ट प्लस नट प्लस जो है वो जो एडजेक्टिव एडवर्ब हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। ये हो गया क्वेश्चन में साइलेंट विलेंट का भी प्रयोग हमने बता दिया है। अगर यही में जो है हमारा तीसरा रचना हो गया, ये चौथा रचना हो गया, विल सेल के बाद मान लीजिए हमको अगर नट वाला नहीं आता है तो नहीं लगाएंगे, या एडजेक्टिव एडवर्ब जो है लगा देंगे और नाउन भी हो सकता है जैसा रहे। पांचवा रचना है जो है दोस्तों क्वेश्चन वर्ड वाला, जिसे कि बताते चले जा रहे हैं। और छठा रचना जो है क्वेश्चन वर्ड प्लस चौथा, जैसे कि मेरे वीडियो को देखते क्वेश्चन वर्ड चले बताते क्यों कैसे कब, और तीसरा मतलब ये वाला सब कब कैसे कब, और चौथा मैंने ये वाला। तो ये जो है दोस्तों रचना थी। अब इसी पर जो है क्या वाला पढ़ लेते हैं, क्या वह डॉक्टर बनेगा। हम इसमें भी और बताएंगे जो है दोस्तों, लंबा वीडियो हो जाए लेकिन पूरी तरह से समझे। तो विल बनेगी है सी, नट वाला भी होगा तो नट के बाद बी लगाते हैं, सी विल सी बी डॉक्टर या ए डॉक्टर, ठीक है दोस्तों। तो इस प्रकार हो गया, क्या वह अच्छा बनेगा, अच्छा नहीं बनेगा, नहीं वाला भी ले लेते हैं,
तो विल ही नॉट बी गुड। एक और ले लेते हैं दोस्तों छोटा सा, वह कब, वह कब जो है दयालु रहेंगे, वह कब दयालु रहेगा, होगा दहेगा, तो कब यहाँ आ गया, कब नहीं रहेगा, तो वही चीज है नाट के बाद बी लगा देंगे। तो यही क्वेश्चन वर्ड है, वेन विल, विल जो है, विल से जो भी लगेगा, ही लग जाएगा, बी लग जाएगा, दयालु का काइंड हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो है हमने देखा दोस्तों कि इस प्रकार बना लेते हैं। अब मान लीजिए जो है नई चीजें जो है मान लीजिए लेना है, तो यहाँ पर जो है नया जो है पेज ले ले रहे हैं, तो नए पेज में हम देखेंगे दोस्तों यहाँ पर, तो अब सीखेंगे यहाँ पर जो है जो बताए थे दूसरा नियम हम, तो दूसरा नियम में ये बताएंगे दोस्तों कि कैसे जो है वर्ब के साथ जो है यूज होता है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर वही चीज जो है नियम थोड़ा सा देख लेते हैं कि नियम में क्या चीजें हैं वो हम जानेंगे। तो ये जो है तो जानिए यहाँ पर शैल विल का जो है यूज होता है, शैल विल वाला, तो इसको समझना है हमको। तो चलिए नियम जानते हैं कि वर्ब में जैसे मान लीजिए गा गी रहेगा, तो यहाँ पर जो है चीज वही जो है हम दिखाएंगे। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर जो है लगा है कि वर्ब, जैसे कि वर्ब क्या है, पढ़ना लिखना खेलना कूदना जो भी हो। तो दोस्तों इसके साथ जो है हमारा जो है वह पढ़ेगा जाएगा गाना नहीं खाएगा, तो ये सब जो है फ्यूचर इंडिफिनिट में बनाना सीखेंगे। तो पहचान हमारा यही है वाक्य के अंत में क्या रहेगा दोस्तों, वाक्य अंत में गा गेगी वर्ब हो तो फ्यूचर टेंस से बनाते हैं, तो फ्यूचर टेंस की ये पहचान हो गई और इसी को जो है हम बनाएंगे बनाएंगे। जैसे रचना जो है हमारा हो गया सब्जेक्ट, भी लिया सैल, और सैल के बाद जो है वर्ब रहेगा। तो ये हमारा जो है पहली रचना है, दूसरी रचना साथ साथ रचना भी सीखेंगे ताकि बनाने में आसान रहे। सैल विल के बाद जो है नाट लगाएंगे, और नाट के बाद जो है हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, यहाँ पर जो है वर्ब हो जाएगा, तो वर्ब हो जाएगा। तो वर्ब में हमने क्या देखा कि लिखने पढ़ने वाला, उसमें क्या था, उसमें था दोस्तों यहाँ पर एडजेक्टिव, जैसे कि देख रहे हैं स्क्रीन पे, तो ये सब चीजें था। तो ये सब चीजों को जो है हम दिखलाएंगे कि वर्ब जो है वह पढ़ेगा गाएगा ये सब रहेगा। अब हम इसमें दिखला रहे हैं, देखिए रचना थोड़ी सी जो है स्क्रीन पर जो है देखिए, यहाँ पर जो है एडजेक्टिव हुआ करता था, भी नहीं इसमें भी लगा था, उसमें नहीं लगेगा। तो ये जो है ये अलग रचना है और इसकी रचना अलग है, नाट के बाद जो है वर्ब हो जाएगा। तीसरी रचना जो है यही विल और सैल आगे आ जाएगा, आ जाएगा तो क्या वाला हो जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट है, अगर चाहें साइलेंट विलंट भी कर सकते हैं, यह सब्जेक्ट के बाद नाट लगा सकते हैं। तो ये हमारा क्या वाला हो गया नाट, इंटोगेटिव नेगेटिव। अगर मान लीजिए यहाँ पर जो है साइल विल के बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब हो गया। पांचवी रचना जो है अभी बतलाए हैं क्वेश्चन वर्ड प्लस तीसरा हो जाएगा, और छवीं रचना जो है हमारा क्वेश्चन वर्ड प्लस जो है चौथा हो जाएगा। तो इस प्रकार जो है हम पहचान और इसकी जो है
रचनाओं को सीखा। अब इस पर हम जो है उदाहरण सीखेंगे दोस्तों, बहुत सारा उदाहरणों को जो है हम सीखेंगे कि कैसे जो है इन चीज़ों का जो है प्रयोग करेंगे। ज़्यादा नहीं, 6-7 उदाहरण पढ़ लेंगे तो ये जो है वाक्य हमको समझ में आ जाएगा। तो जैसे मान लीजिए जो है उदाहरण हम ले रहे हैं, मैं किताब पढ़ूंगा। तो देखिए यहाँ पर दोस्तों पढ़ूंगा लिखूंगा, तो यहाँ पर जानते ही हैं आई शैल रीड, उसके बाद बुक। रचनाओं को जो है देखते रहिएगा, उसी रचना पर जो है तो सब्जेक्ट, उसके बाद शैल, उसके बाद वर्ब, और बाकी सब जो रहता है वो भी शेष जो है लिख देते हैं। तो निगेटिव ले लेते हैं कि वह नहीं पढ़ेगा, बच्चे नहीं खेलेंगे, वह नहीं आएगा, तो ये जो है हमारा हो जाएगा। वह परीक्षा नहीं देगा, वह परीक्षा नहीं देगा। परीक्षा देना का होता है दोस्तों दो चीज होता है, एक होता है परीक्षा देना का जो है अपीयर एट द एग्जाम, एक होता है टेक एग्जाम, जो भी आप लगाना चाहें। तो ही अपीयर्स, सॉरी यहाँ पर जो है विल सेल का यूज नहीं किए हैं, यहाँ लगेगा ही विल अपीयर्स, अपीयर होगा, हम प्रेजेंट बना रहे थे, अपीयर एट द एग्जामिनेशन। तो ये हो जाएगा, यहाँ पर नाट नहीं लगा है, यहाँ पर नाट लगाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है परीक्षा देने की जगह जो है टेक एग्जाम हो जाए, हो सकता है, होगा, हो सकता है क्या, परीक्षा देना का जो है टेक एग्जाम, परीक्षा लेना का जो है गिव एग्जाम, ठीक है दोस्तों। तो ये जो है टेक एग्जाम हो जाएगा या एग्जामिनेशन भी हो जाएगा, क्या वाला भी जानेंगे, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे, क्या हम लोग अंग्रेजी पढ़ेंगे या सीखेंगे, तो यहाँ पर जो है दोस्तों हम लोग है तो शैल भी हो जाएगा, होगा कि नहीं होगा, तो यहाँ पर जो है शैल भी, और उसके बाद पढ़ेंगे तो रीड, उसके बाद क्या पढ़ेंगे इंग्लिश। तो यहाँ पर दोस्तों इस प्रकार जो है निगेटिव इंट्रोगेटिव पढ़ेंगे, और जो है यहाँ पर जैसे मान लीजिए कि हम जो है बहुत सारा उदाहरण जो है ले रहे हैं, जैसे मान लीजिए यही है, क्या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे, यही में लग जाता तो क्या हो जाएगा दोस्तों, वी के बाद नाट लग जाएगा, या हम लोग अंग्रेजी नहीं पढ़ेंगे तो साइलेंट भी हो सकता है, और सैल के बाद वी के बाद जो है नाट लग जाएगा, और यहाँ पर जो है रीड हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। इसको हम बताए थे साइलेंट विलंट के भी शॉर्ट फॉर्म बताए थे, सारे निगेटिव लगा करके शॉर्ट फॉर्म। तो यहाँ पर अगर चाहें तो या इसको जो है साइलेंट भी लगा के बना सकते हैं, तो साइलेंट जो है तो लगा के जो है बना सकते हैं, साइल प्लस नाट का जो है साइलेंट हो जाता है, और यहाँ पर जो है नाट हट जाएगा वी के बाद, रीड जो है इंग्लिश भी हो जाएगा। तो इस प्रकार दोस्तों जो है साइलेंट विलंट का भी प्रयोग, वह क्यों नहीं गाना गाएगी, तुम क्यों नहीं जो है पढ़ोगे, तुम क्यों नहीं जाओगे। चलो एक और क्या वाला ले लेते हैं, तो ये जो है चलिए क्या वाला एक और ले लेते हैं, क्या तुम नहीं आओगे, क्या तुम नहीं आओगे,
तो इसका भी बन जाएगा, नहीं भी है तो विल नॉट का जो है दो तरीके से बनाएंगे, विल यू तो ये हो जाएगा विल यू नॉट कम। और इसी का जो है हम अगर बनाते हैं दूसरे तरीका से, यानी नॉट एक साथ विलंट का जो है इसको हम जो है विलंट का जो है विल वोंट लिखते हैं, वोंट हो जाए, वोंट यू गो, यानी नॉट यहीं पर हो जाए। तो और भी जो है उदाहरण है दोस्तों, सीखेंगे कब कैसे क्यों वाला, कब कैसे क्यों वाला में कुछ नहीं है, वही बताए ही रचना कि जो है अच्छे से लगा के बना दिया जाता है। यहाँ पर जो है मैं जो है क्यों नहीं पढ़ूंगा, सबका पढ़ने का अधिकार है, मैं क्यों नहीं पढ़ूंगा, क्यों नहीं पढ़ूंगा, तो ये भी जो है विलंट के साइलेंट के भी पूछते वाई क्वेश्चन वर्ड है, वाई अगर जो है आई के साथ साइलेंट हो जाएगा तो यहाँ पर साइलेंट भी कर सकते हैं, जो है साइलेंट नट हो गया तो आप कौन है, तो मैं पढ़ना का रीड हो जाएगा। अगर इसको चाहते हैं कि नट लगा के बनाए तो वाई साइल जो है आई के बाद नट लग जाएगा और जो है रीड हो जाए। तो इस प्रकार दोस्तों जो है फ्यूचर के जो है जानकारी जो है हो गया, यानी कि इंडिफिनिट भी हो गया, साइल भी जो है वर्ब है हमारा जो है वर्ब क्या है टू भी है, उसका भी मुख्य क्रिया के रूप में जो है लगाया गया है, ये हेल्पिंग वर्ब की तरह काम करता है, और मेन वर्ब की दोनों नियमों को जो है हमने बताया है। और जो है यहाँ पर देखेंगे कि एक चीज है उसको मैं बताना चाहूँगा दोस्तों, कि जैसे मान लीजिए कि वो निश्चित रहेगा तो बता ही दिए, और जो है ये भी हम जानेंगे दोस्तों कि जैसे जैसे मैं एक और चीज़ पे, हाँ एक चीज़ मैं बताना चाहता हूँ कि जैसे मान लीजिए कि आप जान ले कि साइल विल का प्रयोग जो है निश्चित स्थायी रूप से बनी रहेगी, अगर आप किसी को देखकर यानी वेशभूषा देखकर, अगर किसी को वेशभूषा देखकर जो है आप अनुमान लगा, या किसान होने का वेशभूषा देखकर अनुमान लगाएंगे कि वह किसान बनेगा, कहते हैं कि वह एक नेता बनेगा, वह एक नेता बनेगा, अनुमान से वह एक नेता बनेगा या होगा, तो अब यहाँ पर जो है इसका स्पेलिंग जो है ही उड हो जाएगा, ही उड बी ए लीडर। अगर ये जो है इसी को जो है अगर ऐसे लिखते हैं ही विल बी ए लीडर, तो ये हमारा जो है गलत हो जाएगा, तो ये जो है नहीं होगा, इसका अर्थ हो जाए कि आने वाले समय में वह नेता बनेगा और अपनी स्थिति को जो है कायम रखेगा। तो दोस्तों इन चीज़ों को भी जाना देखा समझा, आप सभी को हृदय से प्रणाम, जय हिंद जय भारत।